हर चीज में मेहनत कर रहे हैं आप, किसानों का देखते सोमवार को फाइल कर देगा। कृषि कुंभ में नेताओं के तो दावे बड़े बड़े हैं। उनका कहना है कि किसानों की आय दोगुनी होने वाली है। प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी ये बताया है कि किसानों के लिए सरकार ने तमाम काम किए हैं, लेकिन कृषि कुंभ जिनके लिए हुआ है वो कृषक यहाँ पर मौजूद हैं, जिन कृषकों के लिए बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं और ये सारा आयोजन जिन किसानों की बेहतरी के लिए किया जा रहा है, हम उन्हीं से पूछते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। आप बताइए, ये जो आयोजन है कितना लाभ मिल रहा है इससे साधारण किसान को? इससे बहुत बड़ा फायदा मिल रहा है। नई नई वैरायटी हैं, धान की फसलें हैं, धान की फसलें हैं वो नई नई मतलब किस्म की हैं। अब आने वाले भविष्य में यही जात की मतलब है बीज ले जाएंगे, उसे उत्पादन करेंगे। यहाँ लोग बता भी रहे हैं, विशेषज्ञ आपको? हाँ, देख रहे हैं, बिल्कुल मौके पर देखा है। आप बताइए क्या चीज़ें देखी यहाँ पर आपने? अरे हम तो धान कई प्रकार के देखा, बजड़ा देखा, मूंगफली देखा, गन्ना देखा। हम साहब वो गन्ना थोड़ा लगाए हैं, ये फेल है, यानी एक लाइन लगाए हैं, बांध से बांधे हैं। ये जहाँ पर वो बोर्ड लगा हुआ किसकी लगा है, सिंगल बढ़ा हुआ है। और हमारे देखा आपने? हाँ, हमारे पिताजी आपने खुद लगाया? हाँ, थोड़ी लाइन लगा है लाल वाला। तो कुछ लाभ मिल रहा है यहाँ आने से? बहुत लाभ है। हमारे पिताजी तुमका कहा बताई, तुम साहब कोई इतना करीन ना पाए। हमें पिताजी 2.5 बीघा बगिया एकदम प्लेन बाहर रोड डेली है, और उनसे कही थे ना करो तो कहा नहीं, तो हम खराब हो। ये आयोजन फायदे में है? बहुत फायदे में, बहुत है। आप बताइए क्या चीजें देखी आपने? अब देखा साहब, सब चीज देखा। इससे मदद मिलेगी किसानों की? नहीं मिलेगी, आय बढ़ेगी किसानों की? हाँ। ये जो सरकार की कोशिश है, आप बताइए ये कोशिश कितनी सफल होती दिख रही है आपको? सफल हुई, काफी सफल हो रही है। 80% कुल मिला के जो किसानों का कहना है कि ये कोशिश सरकार की सफल होगी और कृषि कुंभ उनके लिए फायदेमंद है। युवा किसान भी हैं हमारे साथ, नौजवान हैं। आप बताइए क्या नए प्रयोग देख रहे हैं यहाँ पर? सर, हम नए प्रयोग देख रहे हैं फुहारा सिंचाई के माध्यम से खेती करने के लिए, और भी काफ़ी फायदा होगा। और नई नई जो है तकनीकी धान है, नए नए गेहूँ बेसार, हमने सब चीज़ देखा, इससे जो भविष्य में फायदा मिलेगा और जानकारी भी। जो युवा छोटी छोटी नौकरियों की ओर भाग रहे हैं, क्या उनका खेती में अच्छा भविष्य हो सकता है? जी हो सकता है, हो सकता है अच्छा भविष्य, लेकिन जो मेहनत से खेती करे तब। तो युवा किसान भी हैं, बुजुर्ग भी हैं, उनका कहना है कि खेती में भी अच्छा भविष्य हो सकता है और सरकार का ये प्रयोग जो है किसानों के नज़रिए से सफल है। उनका कहना है कि उन्हें लाभ हो रहा है कृषि कुंभ में, और खेती में मेहनत और आधुनिक तकनीक का प्रयोग करके युवा जो है वो रोज़गार के नए दरवाजे खोल सकते हैं। उन्हें छोटी मोटी नौकरियों के लिए शहरों की ओर नहीं भागना होगा। लखनऊ में कृषि कुंभ से दीपक मिश्रा की रिपोर्ट।